डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में मोमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। मोमेंट्स में नेक्स्ट टॉपिक है, इससे पहले भी हमने मोमेंट्स के बारे में पढ़ा था। अब नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंट्स में वेरिगिनस थ्योरम। तो ये थ्योरम क्या कहती है बच्चों, वेरिगिनस थ्योरम क्या कहती है? इट इज़ द अल्जेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ टू कोप्लेनर फोर्सेज नॉट फॉर्मिंग ए कपल एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी। ये कहता है कि किसी रिजिड बॉडी पर दो फोर्सेस लग रहे हैं। किसी रिजिड बॉडी पर क्या लगते हैं बच्चों? कोई भी दो कोप्लेनर फोर्सेस लगते हैं। तो उन दो फोर्सेस का हम मोमेंट निकाल लेते हैं किसी फिक्स पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग। उन दो फोर्सेस का हम क्या निकाल लेते हैं बच्चों? मोमेंट निकाल लेते हैं किसी फिक्स पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग, और उन मोमेंट का अल्जेब्रिक सम, उन मोमेंट्स का अल्जेब्रिक सम इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? टू द मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट। उन दो फोर्सेज का जो रिजल्टेंट है बच्चों, उन दो फोर्सेज का जो रिजल्टेंट है, उस रिजल्टेंट का मोमेंट उस फिक्स पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग क्या होगा? समझ में आया ना बच्चों? दो फोर्सेज हैं, उन दो फोर्सेज का मोमेंट निकाला किसी फिक्स पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग, और उनका अल्जेब्रिक सम, ठीक है, उन दो मोमेंट को हम ऐड कर लेते हैं। वो सम किसके इक्वल होगा? उन दो फोर्सेज का जो रिजल्टेंट होगा, उस रिजल्टेंट का जो मोमेंट निकलेगा उस फिक्स पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग। ओके, आप मान लीजिए कि आपके पास दो फोर्स हैं, एक फोर्स P है और एक फोर्स Q है, ठीक है। दो फोर्स मान लिए, वो आपने क्या मान लिया एक फिक्स पॉइंट मान लिया, ठीक है। तो इस P फोर्स का इस फिक्स पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग मोमेंट निकाला, और इस Q फोर्स का भी इस O पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग हमने क्या निकाल दिया बच्चों? मोमेंट निकाल दिया। तो P का इस O के क्रॉसपॉन्डिंग मोमेंट क्या होएगा? फोर्स मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो हम मान लेते हैं बच्चों OA, प्लस में फोर्स Q है, मोमेंट क्या होगा साथ में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो हमने मान लिया OB। तो मोमेंट ऑफ फोर्स P अबाउट फिक्स पॉइंट O इज दैट, मोमेंट ऑफ फोर्स Q अबाउट द फिक्स पॉइंट O इज दैट। अब इन दोनों का अल्जेब्रिक सम इक्वल होगा किसके? रिजल्टेंट ऑफ देयर फोर्सेज, फोर्सेज P और Q दो फोर्सेज थे, उनका जो रिजल्टेंट है वो बच्चों हमने मान लिया R, ठीक है। R भी द रिजल्टेंट, R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज P एंड Q, क्लियर है। P और Q दो फोर्सेज थे, उनका हमने रिजल्टेंट निकाल लिया, ये R है। अब इस R का मोमेंट इस फिक्स पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग, मान लिया R फोर्स था और इस R पे इस फिक्स पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने मान लिया OC, क्लियर है। ये थ्योरम कहती है वेरिगिनस थ्योरम, भी दो कोप्लेनर फोर्सेस किसी रिजिड बॉडी पे लगते हैं, उन दो फोर्सेस का आप मोमेंट निकालिए किसी फिक्स पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग, फिर उनका अल्जेब्रिक सम वो किसके इक्वल होगा? उन दो फोर्सेस के रिजल्टेंट का जो मोमेंट निकलेगा उसी फिक्स पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग। ओके, ये तो अभी हमने बच्चों दो कोप्लेनर फोर्स के लिए लिया। अगर आपके पास तीन कोप्लेनर फोर्स हैं, चार कोप्लेनर फोर्सेज हैं, फाइव कोप्लेनर फोर्सेज हैं, तब भी ये रिजल्ट क्या है बच्चों? अप्लीकेबल है। मतलब जनरलाइजेशन ऑफ वेरिगिनस थ्योरम ऑफ मोमेंट क्या कहती है कि अगर आपके पास इफ एनी नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज हैं, अगर आपके पास क्या हैं बच्चों? एनी नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज हैं, मान लिया कि आपके पास P1, P2, P3 अप टू PN, आपके पास क्या है बच्चों? दीज आर द कोप्लेनर फोर्सेज, कोप्लेनर फोर्सेज, एनी नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज, वो हमने मान लिया कि फिक्स पॉइंट है, तो इन सभी फोर्सेज का जो मोमेंट निकलेगा पॉइंट O के क्रॉसपॉन्डिंग, जैसे ये लिया P1 मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम O टू फोर्स P1, क्लियर है। प्लस में फिर आ जाएगा P2 मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम O टू फोर्स P2, फिर प्लस में फिर P3 परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम O टू फोर्स P3, कंटिन्यू लाइक दिस। प्लस में PN मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम O टू फोर्स से PN, क्लियर है। इन सब का जो अल्जेब्रिक सम होगा वो किसके इक्वल होगा? अब हम मान लें कि जो फोर्सेस P1, P2, P3, PN थे, इन सब का जो रिजल्टेंट फोर्स है वो आपका R है, तो R मल्टीप्लाई में
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओ, फिक्स पॉइंट से फ्रॉम ओ टू फोर्स आर। क्लियर है बच्चों, समझ में आया ना क्या कहती है वेरिगिनस थ्योरम? अलग अलग फोर्सेस का मोमेंट निकाल दो फिक्स पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग, उनका अलजेब्रिक सम, और उन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा उस रिजल्टेंट का मोमेंट उस फिक्स पॉइंट पे निकालोगे, वापस में क्या मिलेंगे आपको? इक्वल मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टॉपिक पे हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट वी ट्राई द एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वन हेयर आपके पास दे रखे हैं बच्चों। फोर्सेस पी माइनस क्यू पी, फोर्सेस पी माइनस क्यू पी एंड पी प्लस क्यू एक्ट अलोंग द साइड ए बी बी सी सी ए ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है, मान लिया कि ये हमारे पास कोई भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये मान लिया आपने ए, ये आपने मान लिया बी, और ये मान लिया हमने सी। अब ए बी के अलोंग है जो फोर्स है वो आपको दे रखा है पी माइनस क्यू, और बी सी के अलोंग जो फोर्स है वो आपको पी दिया, और सी ए के अलोंग जो फोर्स दिया बच्चों वो आपको पी प्लस क्यू दिया। फोर्सेज पी माइनस क्यू पी पी प्लस क्यू एक्ट अलोंग द साइड्स ए बी बी सी सी ए ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपके पास हर एक एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 60 डिग्री हो जाएगी। फाइंड द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन निकालनी है, और लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, मतलब रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या है, और रिजल्टेंट फोर्स कहाँ से पास करेगा, लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ दैट रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चा, हम इस पर लेमिस थ्योरम नहीं लगा सकते। लाइक आप सोचो कहीं इस क्वेश्चन को हम लेमिस थ्योरम से करें, क्यों नहीं लगा पा रहे? क्योंकि अभी हमें सिस्टम क्या नहीं दे रखा, इक्विलिब्रियम सिस्टम नहीं दे रखा। अगर इक्विलिब्रियम सिस्टम दे रखा होता तो हम लेमिस थ्योरम अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ओके, हम मान लेते हैं कि आपके पास तीन जो फोर्सेस दे रखे हैं, एक फोर्स दे रखा है पी माइनस क्यू, एक फोर्स दे रखा है पी, और एक दे रखा है पी प्लस क्यू। तो इन फोर्सेस का आप रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? आपने पहले भी पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में भी, रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी फोर्सेज को रिजोल्व कर दो किसी एक्सिस के अलोंग। ठीक है, एक बार अगर हम उसको एक्स एक्सिस के अलोंग रिजोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर कोस थीटा आ जाएगा, और फिर उन्हीं फोर्सेस को अगर हम उसके परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग रिजोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा, और उन दोनों को स्क्वेयर करके ऐड कर देंगे तो आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। क्लियर है ना स्टूडेंट्स? तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि लेट आर बी द रिजल्टेंट, हमने मान लिया कि लेट आर बी द रिजल्टेंट, आर बी द रिजल्टेंट of these forces, let R be the resultant of these forces, हमने consider कर लिया R आपके पास एक resultant है इन सभी forces का, और मान लेते हैं कि वो जो R है कहीं भी मान सकते हो आप, हमने मान लिया कि ये आपके पास R है, R be the resultant of these forces which make an angle theta with BC। ओके, हमने मान लिया कि let R be the resultant of these forces which make an angle theta which make an angle theta with BC। ये angle theta किसके साथ बना रहा है बच्चों? BC मान लिया। ठीक है, R क्या है, R आपके पास resultant है इन सभी forces का, और हमने मान लिया कि वो point D से pass करता है, point D से pass करता है, और जो BC के साथ angle क्या बनाता है, theta बनाता है। क्लियर है, अब हम इन सभी forces को resolve कर लेते हैं along BC, इन सभी फोर्सेस को हम क्या रिजोल्व कर लेते हैं, रिजोल्विंग ऑल फोर्सेस अलोंग बीसी, बीसी का अलोंग रिजोल्व किया, बीसी मतलब बीसी इज एज ए एक्स एक्सिस, बीसी को आप क्या मान लीजिए, एज ए एक्स एक्सिस मान लेते हैं। क्लियर है, ओके, तो जब इसको एक्स एक्सिस के अलोंग रिजोल्व करते हैं तो आपके पास आर कोस थीटा, ये तो रिजल्टेंट का रिजल्टेंट पार्ट आ जाएगा। अब P का देखेंगे, P का क्या आएगा, P भी इसी डायरेक्शन में है और इसको रिजोल्व भी इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो P इंटू को जीरो आ जाएगा। ओके, P प्लस क्यू को रिजोल्व करना है, P प्लस क्यू को इस एक्सिस, ये P प्लस क्यू है, इसको इस डायरेक्शन में रिजोल्व करना है इसके साथ, तो ये वाला एंगल किसके साथ क्या हुआ, 120 डिग्री हुआ ना बच्चों, तो P प्लस क्यू के साथ क्या आ जाएगा, कोस ऑफ 120 डिग्री, प्लस में अब P माइनस क्यू है,
पी माइनस क्यू है, ये पी माइनस क्यू है, लेकिन रिजोल्व कहाँ करना है इसको, पी माइनस क्यू को रिजोल्व इसके लॉन्ग करना है, तो ये वाला एंगल चाहिए हमें। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये तो 60 है और ये पूरा 180 है, तो 240 डिग्री हो जाएगा, तो कोस ऑफ 240 डिग्री। क्लियर है, तो पी कोस जीरो की वैल्यू 1, पी प्लस क्यू कोस 120, कोस 120 कोस 90 प्लस 30 माइनस साइन 30, तो माइनस साइन 30 की वैल्यू 1/2, प्लस में पी माइनस क्यू कोस 240, कोस 240 थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव आएगा, और कोस 240 को लिखोगे कोस 180 प्लस 60 कोस 60, और कोस 60 की वैल्यू क्या होगी 1/2, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो यहाँ से आपने देखा ये पी माइनस पी बाई टू माइनस क्यू बाई टू माइनस पी बाई टू प्लस क्यू बाई टू, तो माइनस क्यू बाई टू से प्लस क्यू बाई टू, पी बाई टू से पी, तो दैट इज इक्वल टू जीरो, तो देयर फोर वी हैव आर कोस थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो हमें आर कोस थीटा की वैल्यू बच्चों क्या मिल जाती है, जीरो मिल जाती है। क्लियर, अब सभी फोर्सेज को रिजोल्व कर लेते हैं, अब इन्हीं फोर्सेज को हम क्या कर लेते हैं, रिजोल्विंग ऑल फोर्सेज परपेंडिकुलर टू बी सी, परपेंडिकुलर टू बी सी मतलब टियर्टेड एज ए वाई एक्सिस, उसको वाई एक्सिस की तरह टियर्ट कर सकते हैं, तो सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा, जहां आर कोस था वहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, साइन थीटा आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा आर साइन थीटा इज इक्वल टू पी इंटू में साइन जीरो प्लस पी प्लस क्यू इंटू में साइन 120 डिग्री प्लस पी माइनस क्यू इंटू में साइन ऑफ 240, साइन जीरो पे ये जीरो, साइन 120, साइन 90 प्लस 30 कोस 30 रूट 3/2, तो प्लस में पी प्लस क्यू के साथ रूट 3/2 प्लस में पी माइनस क्यू साइन 240 थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा, साइन 180 साइन 60 पे बात चली जाएगी, तो दैट इज इक्वल टू रूट 3/2, तो यहाँ से आपके पास आया बच्चों पी प्लस क्यू पी रूट 3/2 प्लस क्यू रूट 3/2 माइनस पी रूट 3/2 प्लस क्यू रूट 3/2, ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास वैल्यू आ जाती है क्यू रूट 3, तो देयर फोर हमारे पास क्या मिलता है बच्चों, आर साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 3 क्यू, ये आपके पास बच्चों क्या मिल जाता है, आर साइन थीटा मिल जाता है। क्लियर, अब आपको मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट चाहिए, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू रूट 3 का स्क्वेयर करेंगे 3 क्यू स्क्वेयर, तो फ्रॉम दैट आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वेयर और आर इज इक्वल टू रूट 3 क्यू, इट इज़ द रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। ओके, ये पता लग गया। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या कर दो आप, आर साइन थीटा डिवाइड बाय आर कोस थीटा कर देते हैं, आर साइन थीटा क्या है रूट 3/2 और आर कोस थीटा क्या है बच्चों जीरो, दैट इज़ इन्फिनिटी, तो मीन्स आपके पास क्या आया टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको पता लग चुका है कि ये जो रिजल्टेंट था इसकी वैल्यू पता चल गई है, ये जो रिजल्टेंट है इसकी वैल्यू है आपके पास रूट 3 टाइम्स ऑफ क्यू, और ये थीटा भी पता चल गया है, ये थीटा क्या है 90 डिग्री है, मतलब ये जो रिजल्टेंट है ये रिजल्टेंट आपके पास बी सी के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है, मतलब ये एक्चुअल में ऐसे आएगा क्योंकि अब हमें थीटा पल चुका है, थीटा की वैल्यू क्या है रूट 3 क्यू और सॉरी थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो दैट इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ओके, आर इज इक्वल टू रूट 3 क्यू विच इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ओके, अब हमें बच्चों एक चीज़ और निकालनी है, लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, मतलब ये रिजल्टेंट कहाँ से पास होता है, अब ये तो पता चल गया हमें ये रिजल्टेंट डी से पास हो रहा है, अब हम ये बताना चाहते हैं कि इस डी का सी से डिस्टेंस कितना है, या तो आप डी का सी से डिस्टेंस बता दो या आप डी का बी से डिस्टेंस बता दो, वो आप पे डिपेंड करता है, अब हमसे पर्टिकुलरली ये नहीं पूछा गया कि डी का डिस्टेंस सी से कितना है या डी का डिस्टेंस बी से कितना है, हमें बताना है कि इस डी का सी से डिस्टेंस कितना है या डी का बी से डिस्टेंस कितना है। ओके, लाइन मतलब ये कितने डिस्टेंस पर है बी से या सी से,
ये बताने के लिए हम क्या कर लेते हैं, सभी फोर्सेस का बच्चों मोमेंट निकाल लेते हैं। अबाउट द पॉइंट डी, तो मोमेंट निकाल लेते हैं हम, क्या करते हैं फाइंडिंग मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस, फाइंडिंग मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट फिक्स पॉइंट डी। फिक्स पॉइंट हमने क्या कर लिया बच्चों, डी कर लिया, क्लियर है। फिक्स पॉइंट आपके पास डी है और हम क्या निकालना चाहते हैं, सभी फोर्सेस का मोमेंट निकालना चाहते हैं। अब देखिए, फोर्स पी यहाँ पर है और डी भी यहाँ पर है, फोर्स और पॉइंट दोनों एक ही लाइन में लाई करते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो हो जाएगा। तो फोर्स पी के कॉरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, बात खत्म हुई। अब बात आ जाती है फोर्स पी प्लस क्यू का, पी प्लस क्यू, ये जो फोर्स है डायरेक्शन देखते हैं, पॉइंट डी है, पॉइंट डी से पॉइंट डी पर आप प्रकार रखिए और पी प्लस क्यू की डायरेक्शन में रोटेट कर दीजिए। पी प्लस क्यू की डायरेक्शन में रोटेट किया, ऐसे जाएगी प्रकार आपकी, ठीक है ना। तो इससे क्या पता चलता है, ये डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए हम माइनस में का साइन लगाएंगे। और फिर आपको क्या लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, क्या लेना है हमें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, तो हमने क्या किया कि इस फोर्स को पीछे बढ़ा दिया, ठीक है, इस फोर्स को हमने क्या बढ़ा दिया, पीछे बढ़ा दिया, इस पॉइंट डी से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया, वो आपने के पास बन जाएगा डी एल, ठीक है। माइनस में पी प्लस क्यू, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपके पास डी एल, प्लस में। अब नेक्स्ट फोर्स आपके पास क्या है, पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू लिया, यहाँ पर प्रकार रखेंगे, पी माइनस क्यू की डायरेक्शन में घुमा देंगे, तो ये डायरेक्शन क्या है बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए प्लस का साइन आएगा। अब डी का इस फोर्स के ऊपर क्या निकाल लेते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेते हैं, और ये मान लेते हैं कि ये इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये आपके यहाँ क्या है, डी एम है, तो डी एम दैट इज इक्वल टू डी एम। हमने क्या लिख दिया, फाइंडिंग मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेज अबाउट द फिक्स पॉइंट ओ, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अल्जेब्राइक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेज अबाउट द फिक्स पॉइंट डी इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, आपने पढ़ा था ना वेरिगंस थ्योरम में, वेरिगंस थ्योरम क्या कहते हैं, इनका रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट क्या है आपके पास, आर। अब इस आर का इस फिक्स पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंट क्या होगा, आर भी फोर्स और पॉइंट ओ भी एक ही लाइन पर हैं, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स और पॉइंट ओ एक ही लाइन पे हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो हो जाएगा, क्लियर है। अब आपका टारगेट क्या है बच्चों, डी एल की वैल्यू फाइंड आउट करना और डी एम की वैल्यू फाइंड आउट करना। अब डी एल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बच्चों, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये एंगल भी आपके पास क्या होगा, 60 डिग्री, और ये एंगल क्या है, यहाँ 90 डिग्री है, क्योंकि हमने इसके ऊपर क्या डाला है, परपेंडिकुलर डाला है। तो आपके पास सिचुएशन ये है, एक ट्राइंगल आपको दिख रही है, एल पर 90 डिग्री है, सी पे आपके पास 60 डिग्री है, ये पॉइंट आपके पास डी है, ओके। तो ये क्या कहती है कि आप साइन 60 डिग्री निकाल लें, डी एल बाई डी सी निकाल लेते हैं, डी एल बाई डी सी इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, तो डी एल की जो वैल्यू है बच्चों वो आपके पास आ जाती है सी डी साइन 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू रूट 3/2 इंटू में सी डी, इट इज़ द वैल्यू ऑफ डी एल, ये हमारे पास क्या है बच्चों, डी एल की वैल्यू है, ओके स्टूडेंट्स। इसी टाइप से आप यहाँ देखते हैं, ये आपके पास क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, और ट्रायंगल की बात कर लेते हैं बी एम डी। अब हमारे पास ये सिचुएशन ले लेते हैं, M के पास आपके पास 90 डिग्री है, ये B पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल है और ये पॉइंट आपके पास D है, और हमें MD की वैल्यू चाहिए, MD बाई BD, और दैट इज़ इक्वल टू साइन 60 डिग्री, तो MD की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाती है √3/2 टाइम्स ऑफ BD, ओके स्टूडेंट्स। आपने क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, ओके। अब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यूज आई हैं वो इसके अंदर हम क्या कर देते हैं बच्चों, पुट कर लेते हैं, तो P इंटू जीरो तो क्या आएगा, जीरो माइनस ऑफ P प्लस क्यू इंटू में डी एल, डी एल की वैल्यू है √3/2 टाइम्स ऑफ सी डी, प्लस में P माइनस क्यू इंटू में डी एम, डी एम की वैल्यू है √3/2 टाइम्स ऑफ बी डी इज इक्वल टू जीरो, तो दिस इंप्लाइज माइनस ऑफ P प्लस क्यू टाइम्स ऑफ सी डी प्लस में P माइनस क्यू टाइम्स ऑफ
बी डी इज इक्वल टू ज़ीरो, तो दिस इम्प्लाइज पी माइनस क्यू टाइम्स ऑफ बी डी इज इक्वल टू माइनस ऑफ, माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, पी प्लस क्यू टाइम्स ऑफ सी डी। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके। अब इस डायग्राम में आप दोबारा से देखिए, दैट इज़ हेयर, आप उसके पास जो बी डी है उसको हम क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने किया, तो दिस इम्प्लाइज पी माइनस क्यू, बी डी को हमने रिप्लेस कर दिया, दैट इज़ इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, और हेयर इज़ पी प्लस क्यू टाइम्स ऑफ सी डी, तो दैट इज़ इक्वल, दिस इम्प्लाइज आपके पास आया पी माइनस क्यू टाइम्स ऑफ बी सी प्लस में पी माइनस क्यू टाइम्स ऑफ सी डी इज़ इक्वल टू पी प्लस क्यू टाइम्स ऑफ सी डी, तो दिस इम्प्लाइज पी माइनस क्यू टाइम्स ऑफ बी सी इज़ इक्वल टू पी प्लस क्यू टाइम्स ऑफ सी डी माइनस में पी माइनस क्यू टाइम्स ऑफ सी डी फ्रॉम दैट पी प्लस क्यू माइनस पी प्लस क्यू इन टू में सी डी, तो दैट इज़ इक्वल टू पी से पी कैंसिल, तो टू क्यू इज़ इक्वल टू सी डी, तो दिस इम्प्लाइज पी माइनस क्यू टाइम्स ऑफ बी सी, तो दिस इम्प्लाइज सी डी इज़ इक्वल टू पी माइनस क्यू बाय टू क्यू टाइम्स ऑफ बी सी। ओके स्टूडेंट्स, तो जो सी से लेकर डी है वो किसके इक्वल है बच्चों, जो सी डी डिस्टेंस है, मतलब ये जो डी पॉइंट का सी से जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल आ जाएगा, पी माइनस क्यू बाय टू क्यू टाइम्स ऑफ बी सी। ओके, यही हमें बताना था, इट इज़ द पोजिशन ऑफ द रिजल्टेंट। ओके, अगर आप इसको बुक के हिसाब से इसका अगर आप आंसर मैच करना चाहते हैं, तो बुक में इसका आंसर दे रखा है कि जो रिजल्टेंट है जो मिड पॉइंट ऑफ बी सी से कितने दूरी पर है, तो अगर आप इसमें क्या ऐड कर दो कि सी डी को मैं वन हाफ ऑफ बी सी ऐड कर दें, तो पी माइनस क्यू बाई टू क्यू इंटू में बी सी प्लस में हाफ ऑफ बी सी ऐड कर दें, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा आपके पास, टू क्यू एल सी एम आ जाएगा, तो फ्रॉम दैट टू क्यू पी माइनस क्यू और प्लस में क्यू टाइम्स ऑफ बी सी दैट इज़ इक्वल टू पी बाई टू क्यू इंटू में बी सी। क्लियर है? तो ये क्या आपके पास सी डी प्लस में हाफ ऑफ बी सी, सी डी प्लस में हाफ ऑफ बी सी मतलब वो इतने दूरी पर है, पी बाई टू क्यू टाइम्स ऑफ बी सी फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, बी सी के मिड पॉइंट से ये इतने डिस्टेंस पर है। ओके स्टूडेंट्स, यही हमें शो करना था, समझ में आया बच्चों? तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, आपके पास जो फोर्सेस दे रखे हैं उन फोर्सेस का किसी भी फिक्स पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मोमेंट निकाल लो, उनका अलजेब्रिक सम निकाल दो और रिजल्टेंट का मोमेंट निकाल दो, उनको आपस में इक्वल रख दो, वहाँ से आपके पास क्या है लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।